हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर अग्रवाल। आज हम देखेंगे हाउ टू लिंक एक्सेल डाटा विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए कि हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डाटा को वर्ड के साथ लिंक करने की रिक्वायरमेंट कब होती है। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर एक एक्सेल शीट है। ठीक है, इस एक्सेल शीट में हमारे पास एक सेल रिपोर्ट है। इस सेल रिपोर्ट में हमने ईयर 2016 की मंथ वाइज सेल स्टोर की है। ठीक है, मंथ वाइज सेल स्टोर करने का मतलब कि जैसे जनवरी में टोटल सेल कितनी हुई, ठीक है, फरवरी में कितनी हुई है, मार्च में कितनी हुई, तो इस टाइप से हमारे पास टोटल सेल किस मंथ में कितनी हुई है वो हमारे पास एक एक्सेल शीट में। जैसे हम हमारी किसी भी कंपनी में कोई भी रिकॉर्ड स्टोर करते हैं तो उसकी सेल की रिपोर्ट सारी हमारे पास एक एक्सेल शीट में होती है। अब होता क्या है कि कंपनी के जब एनुअल जब भी हमारे पास असेसमेंट होती है तो उसके बाद हमें एक रिपोर्ट जनरेट करनी होती है। ठीक है, उस रिपोर्ट के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट फाइल्स भी होती हैं, ठीक है, एनेक्चर्स भी होते हैं, हमारा डाटा भी होता है, कुछ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी होते हैं जो टाइप करने हैं, तो वो सारी जो फाइल बनती है वो हमारी एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल बनती है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में हमें वो डाटा एक्सेल की शीट से इम्पोर्ट करना होता है। ठीक है सर, तो आज देखिए हमने इंपोर्ट तो कर लिया, बट इंपोर्ट करने के बाद कई बार ऐसा होता है कि हमारी एक्सेल की शीट के अंदर कोई डाटा में चेंजेस हो जाते हैं और वो चेंजेस जो एक्सेल की शीट में परफॉर्म हो रहे हैं और यदि वही डाटा हमने हमारी वर्ड की फाइल में भी इंपोर्ट किया है या कॉपी पेस्ट किया है तो वो डाटा वहाँ पर भी चेंज हमें मैन्युअली करना पड़ता है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा जो भी डाटा हमने एक्सेल में अपडेट किया है वो ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में भी अपडेट हो जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट के अंदर जो भी डाटा है उसको लिंक करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल के साथ। ठीक है, तो आ जाइए हम यही देखते हैं हाउ टू लिंक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल विद वर्ड फाइल। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ये वाला डाटा है सेल इन ईयर 2016। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस डाटा को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसे कॉपी कर लेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी या फिर कंट्रोल सी से कॉपी या कुछ भी। देन आप अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे दोनों फाइल्स ओपन की हुई हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट बटन जो आ रहा है इसके नीचे एक छोटा सा एरो की यहाँ क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर एक सेकंड ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल। दोस्तों देखिए, पेस्ट तो हमने बहुत बार यूज़ किया हुआ है, आज हम देखते हैं पेस्ट स्पेशल लिंक कैसे होगा। तो इसमें हमारे पास पेस्ट स्पेशल जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमने यहाँ पर क्लिक करना है पेस्ट स्पेशल, राइट। पेस्ट स्पेशल करने के बाद अगर आपको जैसा फॉर्मेट आपका एक्सेल की शीट में आपको डिस्प्ले हो रहा था वैसा ही फॉर्मेट आपको यहाँ पर भी चाहिए तो हम क्या क्लिक करेंगे, फॉर्मेट एंड ओके। तो देखिए, जो हमने डाटा कॉपी किया था एक्सेल शीट से वो पूरे का पूरा डाटा हमारे पास वर्ड फाइल में आ गया। आप इसकी फॉर्मेटिंग जैसे मर्जी कर सकते हैं, आप इसमें कलर लगा सकते हैं, फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं, जितनी मर्जी जो भी आप चेंजेस करेंगे वो चेंजेस यहाँ पर परफॉर्म हो जाएंगे डाटा के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से आप इसके अंदर बैकग्राउंड कलर लगाइए, टेक्स्ट कलर लगाइए, जो भी आपको लगाना है आप यहाँ पे इजीली सब कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि जब हमने ये डाटा यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि अब इसकी एक्सेल फाइल में हमने कुछ चेंजेस परफॉर्म करने हैं। ठीक है, एक्सेल फाइल में कुछ भी चेंजेस परफॉर्म करने, तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, देखिए इजीली। अब देखिए, अब हम एक्सेल फाइल में जाते हैं। जैसे मैंने सपोज यहाँ पे जनवरी मंथ में पहले हमने सेल यहाँ पे 500 दिखाई थी, अब सपोज मुझे इसकी अपडेट करके मैंने इसको कर दी है 2500। वैसे ही हमने कुछ मंथ्स में और चेंजेस कर देते हैं, मई के अंदर 1500 थी 5000 कर देते हैं, नवंबर में 450 थी 3000 कर, कुछ भी हमने चेंजेस यहाँ पर परफॉर्म की। ठीक है, अब यही चेंजेस हमारी इस फाइल में ऑटोमेटिकली कैसे होंगे, हमें क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक, ठीक है, इस टेबल में हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन है अपडेट लिंक। ठीक है, आप अपडेट करेंगे तो वो डाटा यहाँ पर अपडेट हो जाए। होता क्या दोस्तों, कई बार हमें जैसे मैं यहाँ पे चेंजेस करता हूँ, जैसे जून में 1400 है मैंने कर दिया 2500। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपडेट ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहा है, हमने अपडेट, अगर कई बार अगर ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से अपडेट लिंक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डाटा यहाँ से अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डाटा है एक्सेल शीट के अंदर वो देखिए 2500 2500 1400 ये वाला है चेंजेस करने के बाद। ठीक है, अगर मैं यही डाटा हमारे पास यहाँ पर चेक करता हूँ, ठीक है, आप ये देखिए, अब दोनों शीट्स के साथ हमारे पास कंपैरिजन करना है तो ये देखिए दोनों शीट्स हमारे पास नज़र आ रही हैं, जनवरी एक्सेल शीट में 2500, यहाँ पर भी 25। तो यानी कि जो भी चेंजेस हमने एक्सेल शीट में परफॉर्म किए थे वो सारे हमारे पास वर्ड फाइल में भी परफॉर्म हो गए।
ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को वर्ड फाइल के साथ लिंक कर सकते हैं, हमारा डाटा ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद में आया होगा। बिल्कुल छोटा सा इजी सा कंसेप्ट है, इसको आप बहुत ईजीली कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा हमारे पास यूजेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे नीचे एक लाइक का बटन है वहाँ लाइक कीजिए, और यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि जिस तरह मेरा ये वीडियो आप तक पहुँचा है वैसे ही आपके और भी दोस्तों पहुँचे, तो इसे शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।